हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सबकी अच्छे से तैयारी चल रही है। तो लास्ट क्लास में हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर बात करी थी। हमने एक ही क्लास में सारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको समझाने की कोशिश की थी। आई होप किसी को कोई डाउट्स ना आए हों और सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए हों। ठीक है, हमने अलग अलग केसेस में देखा था कि हम बिल ऑफ एक्सचेंज का हमारा ट्रीटमेंट कैसे होता है, बिल रिसीवेबल का कैसे होता है, ड्रॉई के एंड पे ट्रीटमेंट कैसे होता है, ड्रॉअर के एंड पे कैसे होता है, एंडोर्समेंट के बारे में सीखा था। फिर हमने देखा था कि अगर डिसऑनर हो जाए बिल तो क्या होता है, और अगर उसको डिसऑनर्ड बिल को हम दोबारा से रिन्यू करते हैं तो हम कैसे उसको अपनी अकाउंट्स में ट्रीट करते हैं। फिर हमने करा था कि जिस जिसके पास ये बिल जाता है, ड्रॉई के बाद जो बिल एक्सेप्ट करता है उसके बाद जिस जिसके पास ये बिल जाता है उसे हम कहते हैं होल्डर्स इन ड्यू कोर्स। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ हम आज शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे जो प्रेजेंटेशन के पर्पस से हम अकाउंट्स बना रहे हैं, ये सारी अकाउंटिंग जिसके लिए हम कर रहे हैं वो होती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम एक तरह से हम चाहते हैं कि हमें अपनी बिजनेस का इन एंड आउट पता लग जाए कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे पास कितना हमारे प्रॉफिट था, कितना हमें अगर लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ। इन सब चीज़ों के लिए हम जो है अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं। सबसे जर्नल बनाई हमने, उसके बाद लेजर बनाया था, फिर हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था। तो अब हम जो हमारा फाइनल स्टेज है हम बनाएंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिससे आपको सारे पिक्चर क्लियर होती है। तो इससे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आगे बढ़ने से पहले हमें तीन तरह के एक्सपेंडिचर्स हम एक बारी देखेंगे, जिसके बेसिस पर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन एक्सपेंडिचर्स को या रिसीट्स को या इनकम्स को या लॉसेस को डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं अलग अलग जगह पर। ठीक है, तो अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो चलिए इस पर नज़र डालते हैं कि ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं। तो सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो चीज़ होती है जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं कोई नई चीज़ अक्वायर करने के लिए, कोई फिक्स एसेट अक्वायर करने के लिए, या उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, या ताकि वो रिप्लेस हो जाए, कोई हमारे पास पुरानी चीज़ थी उसकी जगह नहीं आ जाए। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन एक्विजिशन, बेटरमेंट और रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट। ठीक है, कोई भी अगर हम एसेट खरीद रहे हैं या उसको ठीक करवाना चाह रहे हैं या उसको रिप्लेस करवाना चाह रहे हैं, उस तरह का जो एक्सपेंडिचर होता है वो होता है हमारा कैपिटल इन नेचर। ये काफ़ी बड़े बड़े एक्सपेंडिचर होते हैं मॉनेटरी टर्म्स भी तो, और ये जो हमें कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट मिलता है, मतलब पैसा खर्च के कोई हमें सामान मिलता है, कुछ हमें टैंजिबल कोई चीज़ दिखती है। लेकिन रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास होते हैं जो हमारे डे टू डे काम में काम आते हैं। ठीक है, जो हमारी ऑपरेशंस हैं उनको चलाने के लिए हम खर्च करते हैं। एक्सपेंडिचर्स इंकर्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसका बेनिफिट हमें उसी अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाता है। इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? जैसे हमने कोई सैलरी पे करी, ठीक है, कोई इंश्योरेंस खरीदा, तो वो हमारा जो खर्चा है उसी अकाउंटिंग पीरियड में हमें उसका यूटिलाइजेशन, उसका यूज़ मिल जाता है। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम कुछ एक्वायर कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी ऐसा एक्वायर नहीं मिलता है हमें, एक्विजिशन कुछ नहीं होती है। अब एक होता है हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या चीज़ होती है? ये थोड़ा एक नया टर्म, एक अलग हटके चीज़ बन जाती है। ये एक्सपेंडिचर होते तो रेवेन्यू नेचर के हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो बेनिफिट होता है वो हमें एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा में मिलता है। अब इसे फिर हम रेवेन्यू को कहते हैं। इसे रेवेन्यू हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं उससे रिलेट करते हैं, और क्योंकि हमें इसमें कोई एसेट नहीं मिलता, कोई एक्विजिशन नहीं होती, कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती, किसी एसेट की बेटरमेंट नहीं होती, तो इसे हम रेवेन्यू नेचर का करते हैं। लेकिन क्योंकि ये मोर देन वन पीरियड से रिलेट करते हैं तो इसे हम कैपिटल उसमें नेचर में भी करते हैं, तो इसका हम अलग से नाम दे देते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट हमें ओवर द ईयर्स मिलेगा, लॉन्गर देन हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, इट इज़ अ हैवी एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर इंकर्ड हैविंग द इफेक्ट ऑफ जनरेटिंग इनकम ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब उसका जो बेनिफिट आपको एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं इसमें हमने अभी देखा कि एक्विजिशन होता है हमारे पास परमानेंट एसेट का, लेकिन जो रेवेन्यू होता है वो सिर्फ डे टू डे खर्चे के रिलेट करते हैं, और जो डेफर्ड रेवेन्यू है वो डे टू डे खर्चा रिलेट करते हैं लेकिन एक बड़े पीरियड के लिए, एक साल से ज़्यादा के पीरियड के लिए, या एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा बड़े पीरियड के लिए। ठीक है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो होते हैं नॉन रेकरिंग। ये हम हर रोज़ नहीं करते हैं, हम गाड़ी हर रोज़ नहीं खरीदते हैं, हम अपने ऑफिस के लिए बिल्डिंग हर रोज़ नहीं खरीदते हैं। ये वंस इन अ लाइफ टाइम या आप कह लीजिए काफ़ी एक लंबे समय तक एक एक्सपेंडिचर होता है, उसके बाद ही हम दूसरा एक्सपेंडिचर करते हैं। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास हर रोज़ होते हैं। कभी आपने कोई स्टेशनरी खरीद ली, कभी किसी की सैलरी दे दी, कभी बिजली का खर्चा भर दिया, तो ये हर रोज़ होते हैं। और डेफर्ड रेवेन्यू का अगर मैं एग्जांपल दूं तो एडवर्टीजमेंट आप एक बार ही अगर करवा दीजिएगा, अगर एक बार आपकी टीवी पर ऐड चलने लगी तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वो 6 महीने, 10 महीने, 2 साल, 4 साल, तो वो ये भी नॉन रेकरिंग होते हैं। हम एक बार इसके लिए पे कर देते हैं और बेनिफिट हमें आता रहता है, राइट। पीरियड ऑफ बेनिफिट में अगर हम देखें तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा जी, बिल्कुल, क्योंकि एसेट आ रहा है और वो चलता जाएगा, चाहे वो 5 साल चले, चाहे वो 10 साल चले। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका जो होता है एक ही अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करता है वो खर्चा, और डेफर्ड रेवेन्यू का उस एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा करता है, लॉन्गर बेनिफिट दैन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना लंबा नहीं, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना छोटा पीरियड भी नहीं, राइट। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मेन मकसद क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हम करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाए। अगर हम एक नया प्लांट लगा रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो हम सोच रहे होंगे कि हमारी जो आउटपुट है वो बढ़ जाए, आउटपुट बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का होता है कि हमारा जो रेवेन्यू आ रहा है नॉर्मल कोर्स में वो आता रहे, ठीक है। सपोज़ कीजिए आप कोई सेल्स टीम की सैलरी नहीं देंगे तो क्या होगा, आपकी सेल रुक जाएगी, ठीक है, जो आपका एग्जिस्टिंग रेवेन्यू था वो भी रुक जाएगा। तो उसके लिए आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, सैलरी देनी पड़ती है, ताकि आपका जो नॉर्मल आपका रेवेन्यू आ रहा है वो आता रहे, ठीक है। और डेफर्ड रेवेन्यू भी होता है कि आपका जो नॉर्मल रेवेन्यू आ रहा है वो आपको लॉन्गर पीरियड में आता रहे, वो रुक ना जाए, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो अकाउंटिंग होती है, ठीक है, तो जो पे कर रहा है, जो ये एक्सपेंस पे कर रहा है, जो ये एक्सपेंडिचर कर रहा है, उसके लिए तो ये हो गया कैपिटल नेचर का, राइट। लेकिन जिसको हम पे कर रहे हैं, जिससे हम ये सामान खरीदे हैं, सपोज कीजिए हमने एक बिल्डिंग खरीदी, तो हमारे लिए तो वो हो गया एक्सपेंस कैपिटल नेचर का, ठीक है। और जिससे हमने खरीदी, अब डिपेंड करता है कि वो ट्रेडर था, वो क्या बिल्डिंग्स बेचने का काम करता था, अगर हाँ तो उसके लिए ये हो जाएगा रेवेन्यू, ठीक है। लेकिन अगर वो भी एक इन्वेस्टर था, कोई आम आदमी था जिसने एक बिल्डिंग में परचेज करके रख ली थी और 15-20 साल बाद बेच दी, तो उसके लिए वो हो जाएगा कैपिटल नेचर का, क्योंकि वो उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं था। तो इसमें जो रिसीवर है वो रेवेन्यू, उसके लिए रेवेन्यू इनकम भी हो सकती है ये, और कैपिटल इनकम भी हो सकती है। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसके लिए, जो पे कर रहा है उसके लिए भी वो रेवेन्यू नेचर का होगा, और जो जिसको पैसा मिल रहा है उसके लिए भी वो रेवेन्यू नेचर का ही होगा। अब आ जाता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू की हम जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, वो एक तरह से जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं वो हम रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी करते हैं और कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी करते हैं। हम इसकी बाइफरकेशन कर लेते हैं कि इसमें इतना पार्ट रेवेन्यू है और इतना पार्ट कैपिटल है। तो जो पे कर रहा है उसके लिए ये नेचर हो जाती है कैपिटल, लेकिन जो रिसीव कर रहा है उसका वो होता है रेवेन्यू। अगर हम एडवर्टीजमेंट का ही एग्जाम्पल ले लें तो हम जो इसकी अकाउंटिंग करेंगे वो उसका कुछ पार्ट रेवेन्यू में दिखाएंगे और बाकी जो मेजर पार्ट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। लेकिन जो ये पैसा रिसीव कर रहा है, जिस टीवी चैनल को हमने ये पैसा दिया, उसके लिए रेवेन्यू इनकम हो जाएगी, क्योंकि उसकी डे टू डे इसकी ये एक्टिविटी है और ये रेवेन्यू हो जाएगा उसके लिए। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर हम सिर्फ बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं छेड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बारे में अभी हम आगे चलकर खुलकर बात करेंगे, डिटेल में देखेंगे कि ये होता क्या है और कैसे इनको हम चार्ज करते हैं। अभी के लिए आप इतना याद कर लीजिए कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसका सिर्फ बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन होती है, रेवेन्यू की सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है, और डेफर्ड रेवेन्यू की, क्योंकि इसमें रेवेन्यू पार्ट भी है और कैपिटल पार्ट भी है, तो ये दोनों में जाता है, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं एक बारी कुछ आइडिया लगाने की कि हमें ये टॉपिक समझ आया या नहीं। तो इन चीज़ों को हम कैपिटल रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू में बाइफिकेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है 10,000 पेड ऑन रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। क्या हम इसमें एक्विजिशन कर रहे हैं? नहीं। क्या इसमें बेटरमेंट हो रही है? जी, हो रही है। क्या इसमें रिप्लेसमेंट हो रही है? जी, नहीं हो रही। क्या इस बेटरमेंट से हमारी लाइफ बढ़ रही है? अब ऐसा अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है तो हम एज्यूम करेंगे कि इससे लाइफ नहीं बढ़ रही है, ये हमारी बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए था, तो ये हो जाएगा रेवेन्यू नेचर। अगर इसमें लिखा होता कि इससे बिल्डिंग की जो लाइफ है वो 10 साल और बढ़ गई, तो हम इसको कर देते कैपिटल नेचर का, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको हम करेंगे रेवेन्यू नेचर में, राइट। अगला हमारे पास आ जाता है 12,000 पेड फॉर इरेक्शन ऑफ ए न्यू मशीन। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई एक्विजिशन हो रही है? नहीं, बिल्कुल हम एक नई मशीन बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। अगला हमारे पास आता है 30,000 पेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वोन आउट पार्ट ऑफ मशीन। ठीक है, अब एक मशीन थी जिसका एक पार्ट खराब हो गया और उसके लिए हमने 30,000 रुपये भरा। क्या इससे मशीन की लाइफ बढ़ी? नहीं, हम ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्या ये मशीन को मेंटेन करने के लिए, उसकी जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस है उसको चलाने के लिए ज़रूरी था? जी बिल्कुल ज़रूरी था, क्योंकि मशीन नहीं चल रही थी। तो ये हो जाएगा हमारा रेवेन्यू नेचर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 5,000 पेड सैलरीज टू स्टाफ। ठीक है, रेकरिंग खर्चा है, हाँ बिल्कुल रेकरिंग है, कैपिटल नहीं होगा, ये रेवेन्यू होगा, क्योंकि इसमें कोई एक्विजिशन कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है, ये सिर्फ हमारा एक रेकरिंग खर्चा है, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेट करता है। पेमेंट ऑफ 1 लाख रुपी फॉर एक्वायरिंग पेटेंट राइट्स। एक में एक्विजिशन हो रही है एसेट की हो रही है, जी बिल्कुल, एक इंटेंजिबल एसेट है हमारा पेटेंट राइट्स, उसकी एक्विजिशन हो रही है, तो ये हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। $75,000 स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट। अब इसमें कोई एक्विजिशन हो रही है? जी नहीं हो रही है, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं हम एक प्रोडक्ट की, क्या जो हम बेच रहे थे, तो ये हमारा डे टू डे एक्टिविटी हो गया। लेकिन क्या इसका बेनिफिट एक ही अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा? क्या ये जो हमने ऐड करी इसको लोग भूल जाएंगे 6 महीने बाद, जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाएगा? सपोज आपने 1 मार्च को एक ऐड डाल दी, ठीक है, आप ये थोड़ी कह सकते हो कि 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक ही हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। इसका बेनिफिट हमें ओवर द टाइम पीरियड मिलता रहेगा, जब लोगों की नज़र में अगर हमारा प्रोडक्ट आएगा वो बिकता रहेगा, तब तक हमें इसका प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा डेफर्ड रेवेन्यू, क्योंकि इसका जो नेचर है वो रेवेन्यू है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है या जो हमारा जो एक्सपेंस है ये ओवर द पीरियड से रिलेट करता है, एक अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट नहीं करता है। ₹2,000 पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑन द सेल ऑफ मशीनरी। एक हमने कंसेप्ट करा था शुरू में, कॉस्ट कंसेप्ट, उसमें हमने कहा था कि कोई भी खर्चा हमारी एक्विजिशन से रिलेटिंग होता है जब भी हम मशीन लेते हैं, उसे हम कॉस्ट में जोड़ देते हैं। तो वो एक तरह से आपको यही कह रहा था कि ये जो सारा खर्चा है ये कैपिटलाइज होता है। ऐसा ही ये प्रिंसिपल जो है वो सेल पर भी एप्लीकेबल होता है। जब भी आप एक फिक्स एसेट बेचते हैं तो आपकी जो उससे रिलेटिंग कॉस्ट होती हैं वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाती हैं और ये आपकी कॉस्ट में जुड़ जाती हैं, और जब आप प्रॉफिट निकालते हैं तो आप इसको एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मानते हैं, ऐसे जो आपके सेल के ऊपर होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ये जो हमारा है मेन मुद्दा है जिसके लिए हम सारा काम कर रहे हैं। अभी तक की जो हमने सारी क्लासेस की हैं वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए ही एक तरह से काम कर रहे थे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है क्या है, ये हमारे रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं जो हमें बिजनेस एक्टिविटी और हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं कि हम आपने इस साल में कैसा काम करा या आपके पास कितना पैसा बचा या कितना पैसा आया, इस तरह की ये जानकारी आपको सारी चीज़ों की मिल जाती है। इट इज़ अ समरी टू शो पीरियोडिक परफॉर्मेंस। जिस पीरियड के लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट करा था हमने, उसमें हमें कहा था कि एक डेफिनेट पीरियड होना चाहिए अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो ये कहता है कि उसी पीरियड की हम ये परफॉर्मेंस बताते हैं और उसके एंड पर जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है कि हमारे पास कितने एसेट कितनी लाइबिलिटी है, ये चीज़ें हमें पता लगती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ठीक है, अब इसके 2 मेथड हमने करे थे, एक्रूअल और कैश कंसेप्ट, और कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस हमने करा था कि हम 2 तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो फॉलो होती है वो है एक्रूअल बेसिस, जिससे आपको राइट प्रॉफिट और लॉस असर्टन हो जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट क्या क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या क्या है हमारे लिए? सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास आ जाता है इनकम स्टेटमेंट। ये होती है कि आपकी जो एक्टिविटीज़ थी बिजनेस की, उससे आपको जो प्रॉफिट या लॉस हुआ वो आपको पता लग जाता है कि कंपनी का रेवेन्यू। द इनकम स्टेटमेंट प्राइमरीली फोकसेस ऑन कंपनीज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड जिसके लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। ठीक है। जब ये रेवेन्यू में से हम ये एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट बच जाता है, ये हमारे पास नेट कितना पैसा बच गया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हमारी बैलेंस शीट। इसमें हमें पता लगता है कि हमारे पास एसेट और लायबिलिटी कितनी है, हमने किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, ये हमें नेट पता लग जाता है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। ठीक है, जो इनकम स्टेटमेंट है ये पीरियोडिक परफॉर्मेंस से रिलेट करती है और बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेट करती है। एक हमारे पास आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस काम आती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी इस काम आती है कि आप इसमें आपको डिटेल में पता लग जाता है कि आपको ऑपरेटिंग से कितना कैश आया, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आपको कितना कैश आया और आपका कैश कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कहाँ कहाँ गया। ठीक है, इससे आपको नेट पता लग जाता है कि मुझे कैश जनरेशन मेरी कैसी है और आउटपुट कैसा है कैश का। राइट, तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट के ऊपर। इनकम स्टेटमेंट हर तरह के बिजनेस के लिए अलग हो सकती है। ठीक है, अब जो कोई ट्रेडिंग में है, डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहा है, तो उसके लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है इनकम स्टेटमेंट में। लेकिन सपोज कीजिए कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दे रहा है, बस उसको मिसलेनियस इनकम्स और रिसीट एक्सपेंसेस हैं, तो उसमें सिर्फ उस केस में हम सिर्फ P&L अकाउंट बनाते हैं, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अब कोई मैन्युफैक्चरिंग में भी है तो उसके लिए एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी अलग से बन जाता है हमारी कॉस्ट निकालने के लिए। राइट, तो हम बात शुरू करेंगे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से कि ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट हमें हमारा जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं उससे रिलेटिंग हमें प्रॉफिट या लॉस दिखाता है। ठीक है, हमारी जो कोर एक्टिविटीज़ हैं उससे रिलेटिंग जो हमने प्रॉफिट गेन किया वो हमें ट्रेडिंग अकाउंट से पता लगता है। इससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, जो जिस भी तरह की आपकी बाइंग एंड सेलिंग थी, ये हमारा कोर बिजनेस एक्टिविटी से ही रिलेट करता है। मतलब आप जिस चीज़ का काम कर रहे हैं सिर्फ उससे रिलेटेड जो आपने एक्सपेंसेस या इनकम जनरेट करी उसको ही ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। तो कुछ इस तरह का दिखता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। अभी मैं आपको इसका एक एक पार्ट डिटेल में समझाऊंगा। इसके बाद एक बार नज़र डालते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ओपनिंग स्टॉक। कोई भी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, कोई हमारे पास मटीरियल पड़ा था पहले से, पिछले अकाउंटिंग पीरियड का जो बचा हुआ मटेरियल था वो हम ले लेते हैं ओपनिंग स्टॉक में। उसके बाद हमारे पास नेट परचेजेस आ जाता है। नेट परचेजेस होते हैं जो भी आपने परचेजेस करी इस साल में, इस अकाउंटिंग पीरियड में। फिर हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो भी डायरेक्टली रिलेटिंग होते हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग से। ठीक है, और क्रेडिट साइड पर क्या आ जाता है? क्रेडिट साइड पर हमारे पास आ जाती है सेल, जो हमने सेल करी और जो हमारे पास उसके बाद स्टॉक बच गया। और जो ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस है ये हमारे पास हो जाता है बैलेंसिंग फिगर। राइट, अब हम शुरू करते हैं नेट परचेजेज से। नेट परचेजेज हम कैसे निकालते हैं? मानिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्रेडिट परचेजेस, आपने उधार पे सामान खरीदा। कैश परचेजेस, आपने नगद पैसे देकर सामान खरीदा। ठीक है, और परचेज रिटर्न, आपने कोई सामान खरीदा था वो वापस भेज दिया, चाहे हो सकता है वो डिफ़ॉल्टी हो या आपको उसकी ज़रूरत ना रही हो। मैंने सेल्स वाले में लिख दिया ना, इसको इरेज कर देते हैं। परचेज में क्रेडिट परचेज, उधार वाला सामान, कैश परचेज, नगद खरीदा हुआ सामान, और परचेज रिटर्न। तो हमारा जो नेट परचेज है, टोटल परचेज हम कैसे निकालेंगे? क्रेडिट और कैश परचेज ऐड हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों है तो परचेज ही आफ्टर ऑल। और जो हमारी रिटर्न्स हैं वो माइनस हो जाएंगी, क्योंकि ये जो हमारा सामान था ये वापस चला गया। और जो हमारे पास बच जाएगा नेट वो होगा हमारी नेट परचेजेस। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो सेल है वो भी निकल जाएगी। कुछ हमारी उधार की सेल होगी, कुछ जो हमारे पास सेल होगी वो उधार की होगी। क्रेडिट सेल, इसमें हम जोड़ देंगे अपनी नगद वाली सेल, कैश सेल, और किसी ने हमें कोई सामान वापस कर दिया, सेल्स रिटर्न, तो वो डिडक्ट हो जाएगा और हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा नेट सेल्स। ठीक है, अब हमारे पास नेट परचेजेस निकल गया और नेट सेल्स निकल गया। बचा क्या? ओपनिंग स्टॉक। ये आपको एस्टिमेशन करना पड़ेगा, चाहे वो आपने पिछले अकाउंटिंग पीरियड में करा हो तो उससे आपको ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा, आपका क्लोजिंग फिगर, और जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो आपको इस पीरियड के लिए एस्टिमेट करना पड़ेगा, चाहे वो फिजिकल काउंटिंग से हो या आपकी अगर अकाउंटिंग मेंटेन हो रही है तो वैल्यू से भी हो सकता है। क्लोजिंग स्टॉक हम किस चीज़ पर वैल्यू करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक की हम जो वैल्यू करते हैं वो ये नहीं करते हैं कि कितने का बिकेगा, बल्कि करते हैं कॉस्ट, या जितने में हमने ख़रीदा था, या रियलाइजेबल वैल्यू, या जितने हमें पैसे मिल सकते हैं इसके, विच एवर इज़ लेस। दोनों में से जो कम होगा वो हम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को डालेंगे। ठीक है, अब हमारा मेन मुद्दा क्या था? नेट परचेजेज और नेट सेल तो हमने बात कर ली। हमारा मेन मुद्दा ट्रेडिंग का ये था कि हमने देखना था इस अकाउंटिंग पीरियड में हमें हमारी कोर एक्टिविटी से कितना प्रॉफिट हुआ। अब उसको कैसे निकालेंगे? उसको हम निकालेंगे कि हमारी सेल कितनी हुई माइनस जो हमने सामान बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी। तो जो हमने सामान बेचा उसकी जो कॉस्ट थी उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब जो हमने सामान बेचा उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी थी, हमें उसके ऊपर खर्चा कितना पड़ा था। तो उस कॉस्ट को कैसे निकालते हैं? उस कॉस्ट को हम अगर टी फॉर्म में देखें तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ये आपके पास बेचने के लिए रेडी पड़ा था। ठीक है, हो सकता है आपने ये बेचा भी हो। इसमें हम ऐड कर देंगे हमारी परचेजेस, नेट परचेजेस, नेट परचेजेस ही लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूज़ ना हो सब बच्चे। नेट परचेजेस, जो आपने परचेज किया था सामान ये भी बेचने के लिए किया था ना। ठीक है, उसमें इसके ऊपर कुछ खर्चे भी हुए थे, हमने देखा ट्रेडिंग अकाउंट में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। और इसमें से कुछ सामान हमारे पास बच गया था क्लोजिंग स्टॉक, तो ये तो हमने बेचा ही नहीं, तो इसकी कॉस्ट क्यों जोड़ेंगे हम, राइट। तो इसको हम हटा देंगे अपने टोटल में से, और ये हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक हमने बेचा, हमारी जो नई परचेजेज हुई वो हमने बेची, इससे रिलेटिंग जो खर्चे थे वो इसी में जुड़ गए, वो हमने बेचे, और जो स्टॉक हमारे पास बच गया वो हमने नहीं बेचा तो उसकी कॉस्ट हम नहीं लेंगे। तो ये हो जाएगी हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो हमने सामान बेचा उसकी हमें कॉस्ट कितनी थी। ये आपको डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, तो प्लीज़ ये फॉर्मूला रट लीजिएगा। अगर आप को समझ ना भी आए तो ये फॉर्मूला अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि इसका क्या फॉर्मूला होता है। ये आपसे कुछ भी पूछ सकता है इस फॉर्मूला को यूज़ करके, चाहे वो कैलकुलेशन ऑफ परचेजेस बोल दे, चाहे वो कैलकुलेशन ऑफ आपका ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक बोल दे। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही कंसिडर होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं। ये आपका फॉर्मूला के तौर पर हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, राइट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद हम हमारा जो मुद्दा था ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का वो हल हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम कैसे करेंगे कि हमारे पास जो हमारी सेल्स थी और इसमें से हम इसकी कॉस्ट को डिडक्ट कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो हमने सामान बेचा उसकी कॉस्ट को डिडक्ट कर देंगे बेचने में से। ये हमारे पास टोटल आ जाएगा ग्रॉस हमारा प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का जो हमारा पर्पस था वो हल हो जाता है ग्रॉस प्रॉफिट निकलने के बाद। अब इससे अगला स्टेप हमारे पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम हमारी जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ थी, हमारी जो इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़ थी बिजनेस से रिलेटिंग, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या आपने और किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट कर रखी उससे रिलेटिंग इनकम हो या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो, वो सब हम इसमें कंसिडर कर लेते हैं, मतलब जो आपके डायरेक्टली बाइंग और सेलिंग से रिलेट नहीं करते थे। ठीक है, ये हमारी जनरल एक्टिविटीज़ हो जाती हैं बिजनेस की, ये ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ से रिलेट करता है बिजनेस की बाकी सारी एक्टिविटीज़ से। इसमें पर्पस क्या है हमारा? अब जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में हमने निकाला था ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो क्या करता है, ये हमें जो हमारी कोर एक्टिविटीज थी उसका कंसिडरेशन आ जाता है। वो कैसे आ जाता है मैं आपको अभी जब इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा वो दिखाऊंगा। और हमारी जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ हैं जो डायरेक्टली बाइंग और सेलिंग हमारी कोर एक्टिविटी से रिलेट नहीं करती, वो सब भी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाता है। अब ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जो हमारा इनकम टैक्स है, जो सरकार हमें टैक्स चार्ज करती है वो हमारे नेट प्रॉफिट पर करती है, ग्रॉस प्रॉफिट पर नहीं। सरकार कहती है कि आपके जो अदर खर्चे भी हुए हैं वो भी आप कंसिडरेशन में लीजिए, उसके बाद जो आपके पास बचा मैं उसके ऊपर टैक्स लूँगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कुछ इस तरह का दिखता है। अब सबसे पहले मैंने अभी आपसे बात करी थी हमारी जो कोर एक्टिविटीज़ हैं उसका इसमें इफेक्ट आ जाता है। तो वो कैसे आता है, ऐसे आता है कि हमने जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था उसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था या ग्रॉस लॉस आया होता तो हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्रॉफिट को डेबिट साइड से ट्रांसफ़र कर देते हैं और अगर लॉस होता तो इस साइड होता हम उसको क्रेडिट साइड से ट्रांसफ़र कर देते हैं। राइट, हमारे पास प्रॉफिट था पिछले सवाल में, तो हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड पर। जब भी हम ट्रांसफ़र करते हैं अकाउंट टू अकाउंट तो आप डेबिट वाले को क्रेडिट कर देते हैं और क्रेडिट वाले को डेबिट कर देते हैं ओपनिंग एंट्री के लिए। ठीक है, अब बाकी इसमें क्या आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, बाकी इसमें आ जाते हैं आपके और जो बिज़नेस से रिलेटिंग थे सारे एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, कोई भी आपके कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए, सैलरीज हो गई आपके स्टाफ की, सेलिंग से रिलेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। ट्रेडिंग अकाउंट में आपके जो एक्सपेंसेस थे वो थे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटिंग या परचेजिंग से रिलेटिंग। इसमें जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके सेलिंग से रिलेट करते हैं। ठीक है, इसमें आपका एडवर्टीजमेंट वगैरह सब कुछ आ जाएगा। डेप्रीसिएशन, कोई भी हम डेप्रीसिएशन ले रहे हैं अपने फिक्स एसेट पर वो भी आपके P&L में आ जाएगी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, किसी एसेट की रिपेयर हो रही है, किसी भी चीज़ की रिपेयर हो रही है वो हमारे पास यहाँ आ जाएगी। कोई आपने फिक्स एसेट बेच दिया, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर कोई लॉस हुआ वो हमारे पास P&L में आ जाएगा और प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड पर P&L में आ जाएगा। ऐसे क्रेडिट साइड पर हमारे पास इनडायरेक्ट इनकम्स भी आ जाएंगी। कोई आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उसके ऊपर इंटरेस्ट आ गया, बैंक ने आपको ब्याज दे दिया, इंटरेस्ट आ गया, तो उस तरह की सारी इनकम्स आपको P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी। कोई आपने स्क्रैप बेच दिया वो भी यहीं पे आ जाएगा सब कुछ। और जो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा वो आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। ठीक है, अब इसमें हमें बातें क्या ध्यान रखनी है, ये हमारा हो गया यहाँ पर, ये हमारी इनकम स्टेटमेंट तैयार हो गई है। ठीक है, इसमें हमें कुछ बातें क्या ध्यान रखनी पड़ती हैं, कुछ बातें हमें ये ध्यान रखनी है कि जैसे सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन में दिया है कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, रॉयल्टी, पावर, ये आपको अगर शब्द दिखते हैं बिना और भी किसी डिस्क्रिप्शन के, ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं दिया, सपोज आपको दे दिया कैरेज ₹5000, कार्टेज ₹10,000 ऐसे दे दिया, तो आप इसको हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस ही एज्यूम करेंगे। ठीक है, अब इसके कॉन्ट्रेरी कुछ एक्सपेंसेस हमारे पास ऐसे होते हैं जैसे कि इंश्योरेंस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। पावर यहाँ है और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज यहाँ है, डिफरेंस समझिए। ठीक है, तो जो सेकंड वाले हमारे पास ऑप्शंस हैं इनको हम हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे और कहाँ ले जाएंगे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे कहाँ थे, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। राइट, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, ये हमारी जनरल एजम्पशंस होती हैं जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट हमारी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इसको आपने ऐसे ही ट्रीट करना है अनलेस एंड अदरवाइज आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशनड हो कि कोई कार्टेज या फ्रेट हमारा इनडायरेक्ट है या कोई इंश्योरेंस और रेंट हमारा डायरेक्ट है, हमारा परचेजिंग से रिलेट करता है। ठीक है, तो अगली क्लास तक आप सब लोग प्रैक्टिस कीजिए इसमें 2-4 क्वेश्चन। ठीक है, अपने एंड पर देखिए, आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बेहिचक पूछिए आप मुझसे। मैंने आपको शुरुआत में अपनी आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दिया था। बाकी और इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम अगली क्लास में बैलेंस शीट के बारे में कुछ करेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होती है और जो हमारा कंपनी अकाउंट्स के हिसाब से होता है वो हम उससे अगली क्लास में लेकर चलेंगे उसको। ठीक है, राइट, आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।